हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, तो आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी फ़ोटो को कैसे एडिट किया है, कैसे मैंने ये गोल्डन वाइट टोन बनाई है, कैसे कलर ग्रेडिंग की है, क्या कलर सेटिंग्स हैं। तो अगर आप भी ये वाली फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी वीडियो पर। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं अभी अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, तो चलिए हम जल्दी से अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो ये रही मेरी वाली पिक, तो इसे मैंने अभी ऐड कर लिया है, तो ये आ चुकी है। तो जैसे कि आप हमारी पिक को देख सकते हैं, अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ये नेचुरल है अभी, बस हमने थोड़ा सा फेस पे ब्यूटी इफेक्ट डाला है। अगर आपको स्किन स्मूथ की या ब्यूटी इफेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हमें अपने फ़ोटो पर कलर ग्रेडिंग को कर देते हैं स्टार्ट। तो जो एक्सपोजर है हमारा, एक्सपोजर को कर देना है हमें माइनस, हल्का सा माइनस कर देना है। इसकी लाइट को हम कर देंगे, चलो ठीक है, हो गया एक्सपोजर, हो गया माइनस में 0.07, ठीक है। तो अब हम कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाकर कर देना है 24, ठीक है। जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स को हमें कर देना है -30। तो शेडोज पर आ जाते हैं, शेडोज को हमें बढ़ाकर कर देना है 50। आप अपनी फोटो के हिसाब से देख लेना, वैसे मेरी फोटो के हिसाब से ये है, हर फोटो की सेटिंग अलग होती है, तो आपको ये थोड़ा सा अपनी फोटो के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप, मैं आपके लिए जो है, मैं इस सेटिंग्स का प्रीसेट प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो वाइटनेस है, वाइटनेस को हमें कर देना है +24, ये हो गया 24। तो चलिए अब आ जाते हैं ब्लैक्स पर, तो ब्लैक्स को हमें बढ़ाकर कर देना है, नहीं बढ़ाना नहीं है, इस वाले को हमें माइनस करना है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, माइनस जाना है इसमें -41। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम कलर्स पर। तो कलर्स पर आ जाने के बाद हमें जो है टेम्परेचर, जो है टेम्परेचर को हमें बढ़ाकर कर देना है 20, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे तो ज़्यादा येल्लो येल्लो हो गई, ऑरेंज ऑरेंज हो गई, तो अभी थोड़ा सब्र रखो, अभी ये थोड़ा चेंज होगा इसका कलर। टिंट को हमें कर देना है -5, वाइब्रेंस जो है, वाइब्रेंस को हमें कर देना है -40। तो इससे क्या होगा कि हमारे फोटो की सारी येलोनेस चली जाएगी, देखो सारी येलोनेस गायब हो चुकी है। और जो सेचुरेशन है इसको हमें +2 कर देना है, ठीक है। और ऊपर जो ये बना हुआ है जिस पे रिंग वाला कलर्स वाला छल्ला है, जो ये वाला, अभी हमें इस पर क्लिक करना है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी जो ये पहले वाला कलर है रेड वाला, इसकी सेचुरेशन को हमें माइनस कर देना है, माइनस कितना, -40 कर देना है हमें इसको। तो ठीक है दोस्तों, चलो कर देते हैं अभी -40, ये हो गया -40। तो चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले कलर पर, ऑरेंज कलर। तो अभी हम आ चुके हैं ऑरेंज कलर पर, जो ये ऑरेंज कलर है ये हमारे कलर, जो हमारी फेस स्किन है इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। जो ह्यू है इसको हम कर देना है -4, और जो सेचुरेशन है इसकी ऑरेंज कलर की, सेचुरेशन को हमें +8 कर देना है। ल्यूमिनस को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें कर देना है 31, तो 32 हो गया, तो ये हो गया ल्यूमिनस 31। तो अभी चलते हैं हम येलो कलर पर, येलो कलर पर आने के बाद येलो कलर की जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन को हमें माइनस कर देना है,
-98। तो ये देखिए हमारे फोटो की कलर बिल्कुल चेंज हो चुकी है अभी, ये हो गया -98, सेचुरेशन डाउन हो चुकी है इसकी। और जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस को हमें बढ़ाकर कर देना है 24। ठीक है चलो मैं 25 कर देता हूँ, अब ये तो 30 चली गई, तो ये हो चुकी है 25। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी की फ़ोटो की सेटिंग्स अलग अलग होती है, तो सबसे पहले तो आपको ये सारी सेटिंग्स बना लेनी है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्रीसेट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में लगा लेना है, ठीक है, लाइट रूम के अंदर ऐड कर और जो इसकी सारी सेटिंग्स है कॉपी करके अपने फ़ोटो के ऊपर पेस्ट कर देनी है। तो जिससे क्या होगा कि आपको ये सारी सेटिंग्स बनी बनाई मिल जाएगी और आपकी फ़ोटो तैयार हो जाएगी बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले कलर पर, ग्रीन कलर। तो जो ग्रीन कलर की सेचुरेशन है, सेचुरेशन को हम कर देते हैं -100, ठीक है। तो अभी जो ह्यू है, ह्यू को हम कर देंगे -99। तो ये 100, ये 99, ठीक है, ये हो चुका है। और जो ग्रीन कलर की ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस को हम बढ़ाकर कर देंगे 34। ये हो चुकी है 34। तो अभी हम चलते हैं स्काई ब्लू कलर पर। स्काई ब्लू कलर पर आने के बाद स्काई ब्लू कलर की जो सेचुरेशन है इसको हमें -100 कर देना है, ठीक है। ह्यू को हमें नहीं छेड़ना, ह्यू रहेगा 0। और जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस को हम कर देंगे 29। तो ठीक है, तो इसके बाद अभी हम चलते हैं ब्लू कलर पर। तो ब्लू कलर पर आने के बाद हमें जो इसकी ब्लू कलर की जो सेचुरेशन है इसको -100 कर देना है। ये हो गई -100। जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें कर देना है 30। ये हो गई 30। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारी पिक कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है अभी यहाँ तक, और जो सेचुरेशन है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले कलर पर। नेक्स्ट वाले कलर की सेचुरेशन जो है उसे कर देना है हमें -100। तो अभी हम आ जाते हैं ह्यू को, हमें नहीं छेड़ना इसी कलर की, पर्पल कलर की। जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें कर देना है 28। तो ये हो चुकी है 28। तो अभी हम चलते हैं लास्ट वाले कलर पर। लास्ट वाले कलर पर हमें करना क्या है, इसकी सेचुरेशन को हमें कर देना है -100, ठीक है। इस कलर की हमें जो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें कर देना है 22। तो ये हो चुकी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, हम यहाँ से करते हैं इसको डन, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं बाहर। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कलर पर, जो ये है अपना, ये जो बना हुआ है क्लियरिटी वगैरह का। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। इस वाले में हमें करना है क्या है कि जो क्लियरिटी है, क्लियरिटी को हमें बढ़ाकर 15 कर देना है। तो क्लियरिटी हो चुकी है 14। तो क्लियरिटी हो चुकी है 15 अपनी, ये हो गई 15, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, डिहाइज जो है, ये डिहाइज जो है इसको हमें प्लस करके 10 कर देना है, ठीक है। और जो विजन है, विजन को हमें माइनस में लेके जाना है, माइनस इसको हमें कर देना है -20, ठीक है। इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, जिसमें शार्पनेस वगैरह, क्लियरिटी वगैरह और भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम इस फोटो की शार्पनेस को बढ़ाएंगे। शार्पनेस हमें कर देनी है इसकी 12, ठीक है। इसकी शार्पनेस को हमें बढ़ाकर 12 कर देना है। तो देखिए अपनी फ़ोटो कैसी हो चुकी है अभी। ये फ़ोटो नाइट में क्लिक हुई है, तो इसकी
क्लियरिटी थोड़ी लो है, तो इसलिए हमने इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, जो डिटेल्स है वो 25 ही रहेगी। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, मास्किंग भी 0 रहेगा। और जो नॉइस रिडक्शन है, नॉइस रिडक्शन को हमें बढ़ाकर कर देना है 18। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये हो चुकी है। ठीक है, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आ चुका है कलर नॉइस रिडक्शन, इसको हमें बढ़ाकर कर देना है 18, इसको भी हमें 18 ही कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो चुका है। और जो डिटेल्स है, डिटेल्स को बढ़ाकर हमें कर देना है 15। अरे ये तो 50 है ही है, 15 नहीं करना, 50 है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का हमारी पिक हो चुकी है तैयार, बिल्कुल आइस गोल्डन टोन में। तो देखिए मैंने कितनी जल्दी कैसे अपनी पिक को एडिट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से अपनी पिक को एडिट। और ढेर सारी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ये अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाहते हैं वीडियो को, शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।